नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। नव वर्ष पर भिलवाड़ा हलचल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नव वर्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे मंदिर, लिया भगवान का आशीर्वाद। हिट एंड रन के विरोध में उतरे चालक, बसों के चक्के जाम, लोग परेशान। नए साल के पहले दिन कोहरे से घिरा भिलवाड़ा, सर्द हवाओं से लोग कपकपाए, अलाव बना सहारा। जनवरी माह में संकट मोचन हनुमान मंदिर सहित शहर के कई मंदिरों में मनाया जाएगा पोष पड़ा महोत्सव। हाईवे पर चलते हुए ट्रेलर में लगी आग, मची अफरा तफरी। नए साल के जश्न में डूबा भिलवाड़ा, होटलों में छाई रंगत। बीसवीं सदी के 24वें साल का आज पहला दिन है। नए साल का पहला दिन उत्साह और उमंग लेकर आया है। बड़ी संख्या में लोग नए साल के पहले दिन भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिरों में पहुंचे। वहीं कई लोग पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मना रहे हैं। भिलवाड़ा में नए साल के पहले दिन की शुरुआत लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लेकर की है। हंडी महादेव में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नए साल पर हंडी महादेव में शिव जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। लाल पीले फूलों से भगवान को सजाया गया। वहीं नववर्ष की अगवानी के लिए भी पीले फूलों से झांकी सजाई गई है। ट्रस्ट के महादेव जाट ने बताया कि आज सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसी तरह संकट मोचन हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर, हटीले हनुमान मंदिर के साथ ही गांधीनगर और रोडवेज बस स्टैंड के निकट गणेश मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। जबकि यहाँ कई लोग वृंदावन और महाकाल उज्जैन भी गए हैं। जबकि युवा वर्ग ने गोवा और हिमाचल का रुख किया था, जहां बर्फ और समुद्र किनारे नए साल के जश्न में शामिल हुए। केंद्र सरकार के नए यातायात के कानून के खिलाफ भिलवाड़ा में निजी बसों के संचालकों ने अनिश्चितकालीन बसों का चक्का जाम कर दिया। वहीं सुबह रोडवेज बस स्टैंड के पास जाम लगाकर रोडवेज के चक्के भी जाम कर दिए। इसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे बसों का यहां वहां इंतजार करते नजर आए। निजी बस एसोसिएशन जिला महासचिव जगदीश चंद्र ओझा ने कहा कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने चालकों के लिए नया विधेयक पास करवाया है, जिसमें यह नियम लागू किया गया है कि हिट एंड रन के मामले में चालक को 10 साल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। इसके विरोध में सुबह रोडवेज बस स्टैंड के निकट निजी बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों और चालकों ने जाम लगाकर रोडवेज बसों के चक्के थाम दिए। साथ ही उन्होंने निजी बसों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। रोडवेज बस स्टैंड के निकट चक्का जाम से बाहर से आने वाली बसें अंदर नहीं जा सकी और बाहर जाने वाली बसें बस स्टैंड पर ही फंस गई। वहीं निजी वाहन भी जाम में अटक गए। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओझा ने बताया कि केंद्र सरकार के इस काले कानून के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन बसों की हड़ताल शुरू हो गई है और जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। बसों की हड़ताल के कारण लोग बीच रास्ते में उलझ गए हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं और बाहर से आने वाले भी मुसीबत में फंस गए। ओझा ने कहा कि यह नियम स्कूटर से लेकर बस ट्रक चलाने वालों पर लागू होगा। ऐसे में सभी चालक वाहन चलाने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद मौके पर कोई मिल जाता है तो उसे पीट पीट कर मार देते हैं। ऐसे में हालत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बस ट्रक कार व अन्य वाहनों के कारण ही देश चल रहा है। कहीं काम हो रहे हैं, अगर ये थम गए तो अर्थव्यवस्था भी थम जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे काले कानून को वापस लें। इसी के विरोध में आज से अनिश्चित काल के लिए बंद रखा जाएगा। इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी। गोपाल वैष्णव ने कहा कि उनकी रिश्तेदारी में मौत हो गई है, वहां जाना जरूरी है लेकिन बसें नहीं मिल रही है। वहां जाना जरूरी है, अब इधर उधर भटक रहे हैं और बसों का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान चौहान ने कहा कि भिलवाड़ा से डीडवाना जाने के लिए सुबह से बसों का इंतजार कर रहे हैं, बसें नहीं चल रही है। रोडवेज बस स्टैंड भी गए लेकिन वहां भी बस नहीं मिली। यहां अजमेर चौराहे पहुंचे और अन्य साधन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जीजा शांत हो गया है, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी है। बसों की हड़ताल कब खुलेगी पता नहीं है। कृष्णा गुर्जर ने कहा कि वे अपनी बहन के साथ केकड़ी जाने के लिए निकली थी लेकिन यहाँ बसें नहीं मिल रही है। अन्य यात्री भी अपने अपने काम से बाहर जाने के लिए खड़े हैं लेकिन कोई साधन नहीं है। यहाँ बैठने और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है और सभी परेशान हो रहे हैं। संपत मालिक के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। पदनौर में हमारे अंकल जी की डेथ हो गई थी, इसलिए वहाँ जाना जरूरी था। बसों की हड़ताल की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ गया। मैं 10 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और कोई भी साधन प्राइवेट कोई मिल जाएगा उसमें बैठे जा पाएंगे।
सारी की सारी बसें बंद हो गई है और हम दूसरे गांव जाना चाहते हैं, लेकिन सब यहाँ पे खड़े हैं। किसी को कोई किसके लिए आया है, किसके लिए नहीं आया, पता नहीं कहाँ जाना है। सबको अलग अलग गांव जाना है, यहाँ पर रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है सबका, इसलिए सब यहाँ जाना चाहते हैं लेकिन सब यहाँ पर ही खड़े हैं। आपको कहाँ जाना है? हमें केकड़ी इडवाना जाना है। सुबह से इंतजार करे, सुबह 6 बजे से इंतजार करे। पहले रोड बस स्टैंड गए थे, वहाँ से बोला अजमेर चौराहे पे मिल जाएंगे बस, यहाँ भी लेट कर रहे। और मेरा जीजा वो शांत हो गया, उसका आज उदास संस्कार है, कैसे पहुंचे बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका आज कार्यक्रम भी है, जाना बहुत जरूरी है, कोई साधन भी नहीं है, क्या करे। अभी हड़ताल कब खुलेगी मालूम नहीं है। केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जिन्होंने ड्राइवरों के लिए एक नया विधेयक पास किया है, उस विधेयक के अंदर सरकार ने ये नियम लागू किया है कि कोई भी ड्राइवर अगर दुर्घटना करता है और दुर्घटना स्थल से अगर भागता है, हिट एंड रन का अगर ऐसा कोई मामला बनता है, तो उसके अंदर 10 साल का कारावास और आर्थिक जुर्माना दिया गया है, जिससे बस ऑपरेटर एसोसिएशन एवं संपूर्ण भारत के जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर के अंदर कोई भी आ सकता है, एक स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले से लेके ट्रक बस कार टैक्सी चलाने वाले सभी ये ड्राइवर की श्रेणी में ही आएंगे, चाहे वो खुद मालिक क्यों ना हो। अगर सरकार ने अगर ऐसा कोई नियम बनाया है तो हम इस नियम की आलोचना करते हैं और हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो जो नया जो कानून बनाया है उस कानून के अंदर या तो इसमें कोई संशोधन करे। अगर मौके पर ड्राइवर अगर मौजूद रहता है तो उसको जनता छोड़ेगी नहीं, ड्राइवर को वही एक्सीडेंट की जगह पर ही मारपीट करके उसको खत्म कर देगी। अगर ड्राइवर अगर खत्म होता है या मान लो आंशिक विकलांग होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी क्या? मैं जगदीश चंद्र ओझा, बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान, प्रदेश प्रवक्ता, भीलवाड़ा जिला, निजी बस एसोसिएशन जिला महासचिव। विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने केंद्र द्वारा नए यातायात कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। साथ ही कल ट्रक और बस एसोसिएशन की बैठक होगी जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ट्रक चालकों की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। भीलवाड़ा जिला निजी बस एसोसिएशन व भीलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भीलवाड़ा के बैनर तले संयुक्त रूप से सभी चालकों और पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार के इस काले कानून को वापस ले, साथ ही चालकों के साथ होने वाली मारपीट के बाद इलाज की भरपाई के लिए भी कानून बनाने की मांग की गई है। काले कानून के खिलाफ मंगलवार को ट्रक और बस एसोसिएशन की बैठक होगी। इसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी जबकि बसों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा एक काला कानून जो अभी पास हुआ है, वैसे तो वो कानून हिंदुस्तान के लिए बढ़िया कानून है कि जो लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं और इस कानून के लचीलेपन की वजह से वो लोग छूट जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इसका एक सीधा सीधा इफेक्ट हमारे ट्रक ड्राइवरों पे पड़ा है। उस कानून के अंदर ये है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो ड्राइवर उसको पीड़ित को या घायल को हॉस्पिटल पहुँचाए, भागे नहीं वहाँ से। अगर ड्राइवर भाग जाता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना इसमें तय किया गया है। तो आज ड्राइवर जिसकी तनख्वाह 7-10 हज़ार रुपये है, वो 7-7 लाख रुपए कहाँ से देगा? और ड्राइवर अगर वहाँ से भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको पीट पीट के मार डालती है या वो घायल हो जाता है। तो हमारा निवेदन है कि आज सारे ड्राइवर हमारे पास आए, क्योंकि इन लोगों का इस हमारे स्टेट के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। चाहे कोरोना काल हो, पूरी राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, इन लोगों ने कंधे से कंधा लगा के कोरोना काल में अपना सहयोग दिया। आज ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए कहीं पर भी कोई कानून नहीं बनाए। अगर पब्लिक के मारने से हमारा ड्राइवर घायल हो जाता है तो उसके इलाज के पैसे भी नहीं है, उसके परिवार मोटर मालिक कितनी मदद करेगा, क्योंकि आज हमारा ट्रेड जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी डिमांड ये है, आज बस एसोसिएशन भी हमारे साथ है, टैक्सी एसोसिएशन साथ है, टेम्पो वाले हमारे साथ है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि हादसे के अंदर हमारा ड्राइवर भी अगर घायल होता है पब्लिक के मारपीट से, तो उसके लिए भी एक कोष बनाया जाए ताकि सरकार लापरवाही से अगर चलता है तो कानूनी कार्रवाई हो।
पौष माह में अब भगवान को गर्म व्यंजन का भोग लगाया जाएगा। संकट मोचन हनुमान मंदिर में 10 जनवरी को, पेच के बालाजी में 16 जनवरी को और हटीले हनुमान मंदिर में 18 जनवरी को पौष पड़े का पर्व मनाया जाएगा, जबकि इन तीनों हनुमान मंदिरों में विशेष चोले भी चढ़ाए जाएंगे। प्रधान डाकघर के निकट स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी पौष पड़ा पर्व मनाया जाएगा। इस बार 10 जनवरी को यह कार्यक्रम रखा गया है। इस दिन बालाजी को विशेष चोला चढ़ाया जाएगा और 701 किलो पौष पड़ों का भोग लगाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पेच के बालाजी मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि पौष पड़ा पर्व को लेकर बालाजी को चोला चढ़ाया जाएगा और 16 जनवरी को पौष पड़ों का भोग लगाया जाएगा। इस दिन भजन संध्या भी होगी। रेलवे स्टेशन स्थित हटीले हनुमान मंदिर के पुजारी बालकिशन शर्मा ने बताया कि बालाजी को स्वर्ण चोला चढ़ाने के साथ ही 18 जनवरी को पौष पड़ा पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को बालाजी मंदिर पर विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा। इस दिन अयोध्या में मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यह आयोजन होगा, जिसकी भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। वस नगरी में कड़ाके की ठंड कहर बरपा रही है। सोमवार को घने कोहरे के साथ नए वर्ष का आगाज हुआ। समूचा नगर कोहरे के आगोश में रहा। कपकपाती ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित रहा। जगह जगह ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव तापते नजर आए। वहीं बाजार में पहले दिन सूनापन ही दिखा। भीलवाड़ा में कड़ाके की ठंड कहर बरपा रही है। घने कोहरे के साथ नए वर्ष का आगाज हुआ। हाईवे सहित मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। ठंड से बचाव के लिए दुकानों के आगे व्यापारी अलाव के सहारे बैठे नजर आए। रामसिनी अस्पताल के बाहर का नजारा तो अलग ही दिखा। यहाँ लोग अलाव तापते गर्म कंबलों में लिपटे हुए नजर आए। ऐसी स्थिति अन्य अस्पतालों व बस स्टैंड पर भी देखी गई। रविवार देर रात से ही कोहरा छाने लगा था। सोमवार को घने कोहरे के साथ नववर्ष का आगाज हुआ। दोपहर तक सूरज नहीं निकला, जिसके चलते तापमान भी काफी कम रहा और ठिठुरन बढ़ गई। जरूरी कार्य से ही लोग बाहर निकले। कोहरे के कारण नगर के हाईवे सहित मुख्य मार्ग पर वाहनों की गति भी धीमी रही और हेडलाइट के जरिए वाहन रेखते हुए चलते दिखे। इस दौरान वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर में जगह जगह लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते रहे। कई जगह व्यापारी दुकानों के आगे सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाते दिखाई दिए। कड़ाके की सर्दी में कोहरा छाया रहने से बाजारों में दोपहर तक ग्राहक नहीं दिखाई दिए। दोपहर बाद सूर्य देव ने दर्शन दिए और धूप निकलने पर ग्राहकों की आमद शुरू हुई। गुंडा से बद्रीलाल माली के अनुसार कोहरे और शीत के चलते गुंडा अब शिमला नजर आने लगा है। इसका नजारा देखने वाला है, लेकिन सर्दी से लोग कांप रहे हैं। गर्म वस्त्रों के साथ ही हीटर का सहारा लेने को मजबूर है। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज, भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन, अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप एक्स कू फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। नए कानून के विरोध में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी बिहार के ड्राइवरों ने शनिवार से ही चक्का जाम करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया जा रहा है। ड्राइवर इस कानून को लाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इंडियन पिनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर भीलवाड़ा से जयपुर के बीच हाईवे पर किए गए प्रदर्शनों के नजारिये देखिए आप भी। मरो, 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 मरो। नगर परिषद में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के स्थापना के मौके पर अवकाश रहेगा। इसी तरह हनुमान जयंती पर भी नगर परिषद में छुट्टी रहेगी। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने एक आदेश जारी कर राजस्थान
म्युनिसिपलिटीज रूल्स के तहत 1961 के उपनियम 2 के प्रावधानों की शक्तियों का उपयोग करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के लोकार्पण के मौके पर और 23 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। भिलवाड़ा बाईपास पर मंगलपुरा के नजदीक बीती देर रात हाईवे पर दौड़ते ट्रेलर की कैबिन में आग लग गई। आग से कैबिन व टायर जलकर राख हो गए। आग से हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। दो दमकल वाहनों की मदद से 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल विभाग के अनुसार सीमेंट लादकर जा रहे ट्रेलर में मंगलपुरा के नजदीकी बीती रात करीब 12:45 बजे अचानक आग लग गई। चालक को आग का पता चलने पर उसने ट्रेलर को खड़ा कर दिया और इसकी सूचना ट्रेलर मालिक के जरिए दमकल विभाग व पुलिस को। नगर परिषद में पटेल नगर फायर स्टेशनों से 2 दमकलें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इससे पहले आग से ट्रेलर का कैबिन व टायर जलकर राख हो गए। आग के कारण अभी सामने नहीं आए हैं। शहरवासियों ने जोश और उमंग के साथ न्यू ईयर 2024 का स्वागत कर 2023 को विदा किया। इस दौरान लोगों ने संगीत की धुन पर थिरर कर खुशियां मनाई। रात 12 बजते ही लोगों ने जोश के साथ हैप्पी न्यू ईयर का शोर करते हुए 2024 का स्वागत किया और जमकर नाचे। इस दौरान भिलवाड़ा में तेज सर्दी के बावजूद लोगों में नए साल को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। शहर में पांसल रोड, कोटा बाईपास, चित्तौड़ रोड स्थित होटलों में रंगारंग कार्यक्रम हुए। खाने पीने के साथ ही कपल के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कुछ फॉर्म में भी परिवार के साथ ही मित्रों के लिए विशेष आयोजन हुए। इस दौरान रात 12 बजे जगह जगह जमकर आतिशबाजी हुई। साल 2023 की पूर्व रात्रि पर शहर में कई जगहों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर आयोजन किए। इन आयोजन में शहरवासी खासकर युवा काफी उत्साहित नजर आए। युवाओं ने जमकर संगीत पर डीजे की धुन पर ठुमके लगाए और नए साल का स्वागत किया। इस दौरान कई जगह सजावट की गई। वहीं न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस भी सक्रिय नजर आई ताकि नए साल के जश्न में कोई हादसा घटित ना हो। साथ ही नशे में वाहन चलाने वालों को लेकर भी पुलिस सतर्क रही। लोगों ने मोबाइल पर एक दूसरे को बधाई संदेश भेजकर नए साल की शुभकामना दी। वहीं कुछ लोगों ने टीवी पर ही रंगारंग कार्यक्रम मूवी देखकर साल के आखिरी दिन को सेलिब्रेट किया। नए जश्न के आगाज के साथ ही बधाइयों का भी तांता लगा रहा। लोग एक दूसरे को मैसेज व व्हाट्सएप के जरिए नए साल की बधाइयां देते रहे। सोशल मीडिया पर लोगों ने नए साल की रील्स भी बनाई जो देखने लायक रही। शहर के सभी पॉश इलाकों में लोगों ने अपने परिजनों के साथ नए साल का जश्न मनाया। होटलों व रेस्टोरेंट में क्वालिटी टाइम बिताया और नए साल के पलों को मोबाइल में भी कैद किया। बच्चों ने भी जमकर मनोरंजन किया। जाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलून गांव में अंग्रेजी नववर्ष 2024 के प्रथम दिन पीपलून के गो सेवकों की बैठक का आयोजन सरपंच वेद प्रकाश खटीक की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में आपसी विचार विमर्श करने के बाद गौशाला का नाम देव नारायण गौशाला रखा गया। बैठक में गौशाला का रजिस्ट्रेशन एवं जगह का चयन और बैंक खाता खुलवाकर मकर संक्रांति को कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई गई। इस दौरान गौशाला के संरक्षक महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज एवं गोभक्त अशोक कोठारी को बनाने की सर्वसम्मति बनी एवं 51 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया गया। दुर्गेश श्रेगर की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूटा, लुटेरे 200 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी ले उड़े। रुपायली क्षेत्र की घटना। रायला थाना क्षेत्र में सोलर प्लांट से 3500 मीटर केबल चोरी। अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भिलवाड़ा में भक्तों ने बांटे पीले चावल। जापान में भीषण भूकंप, समुद्र में सुनामी की चेतावनी। सड़कों पर आई दरारें, भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। कोहरे के कारण हादसा, मंदसौर में राजस्थान के 3 लोगों की मौत, 3 अन्य घायल। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।